प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें एपिसोड में रविवार को सुबह जब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के बुटलू राम माथरा का जिक्र किया तो लोक कला को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वर्षों से की जा रही उनकी मेहनत राष्ट्रीय मंच पर चमक उठी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक कला के संरक्षण और संवर्धन में जुटे नारायणपुर के बुटलू राम माथरा की सराहना किए जाने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने लोक कला के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे कलाकारों की प्रशंसा की है। बुटलू राम माथरा ने लोक कला को संरक्षित करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा काम भी किया है। नारायणपुर में आदिवासी संस्कृति अपने सबसे मूल रूप में है। हमारी सरकार श्री माथरा जी के प्रयासों को बढ़ावा देगी। भगवान की तरफ पूजे जाते हैं, वो शहीद हो गए। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जिनकी जयंती 15 नवंबर है, उनका भी 150वीं जयंती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और उसको भी हम लोग यहाँ अच्छे से मना रहे हैं और हम लोग 3 दिन शासकीय रूप से मनाएंगे और 15 नवंबर को बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और संभवतः वैसे अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन हम अभी जाके माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह करके आए हैं और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल झारखंड में है और वहाँ चुनाव चल रहा है विधानसभा का, तो आचार संहिता है तो हमने आग्रह किया है कि आप अगर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ को समय दे देंगे तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य होगा और मुझे उम्मीद है कि उनका समय मिल भी सकता है, उनका समय मिल भी सकता है। तो इस तरह से आज मन की बात के माध्यम से दो बात का पता चला और एक जो साइबर ठगी होता है उसके विषय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अलर्ट किए हैं। आज जैसे उन्होंने कहा कि किसी आदमी को ठगना है तो उसका पूरी कुंडली निकाल लेते हैं और ऐसा फोन करके बात करते हैं कि लगता है कि सही में बात हो रही है। उसके विषय में भी उन्होंने बताया है कि इसे डरने की बात नहीं है और आज साइबर ठगी के कारण कई लोग इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इतने घबरा जाते हैं कि उनका लाखों करोड़ रुपया भी चला जाता है और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, यहाँ तक नौबत आ जाती है। लेकिन आज मन के माध्यम से उन्होंने साइबर ठगी पर भी आगाह किया है और हर मन की बात में नई नई बातों बताते रहते हैं, हम लोग को जरूर सुनना चाहिए। ये हर महीने आखिरी रविवार को इसका आयोजन होता है और चूंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, 13 नवंबर को मतदान है और ऐसा विधानसभा है जहां लगातार 8 बार से आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताते आए हैं। पराजय योद्धा जो जिजमोहन भैया हैं, उनको 8वीं बार अभी आप लोग विधायक के रूप में जिताए थे और वो भी रिकॉर्ड मतों से, 68,000 मतों से आप लोग जिताए थे और भारतीय जनता पार्टी उनको और आगे मतलब प्रदेश से केंद्र में भेज दी है। बड़ा सांसद के रूप में दायित्व देके अब उनके जगह पर हमारे सुनील सोनी जी पार्टी के प्रत्याशी हैं और सुनील सोनी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति भी रहे हैं और भी कई पदों में रहे हैं, तो आप सब लोग मेरे से ज्यादा उनको जानते हैं तो वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो सबसे आग्रह होगा यहाँ पर जिम्मेदार कार्यकर्ता इस अवसर पर बैठे हैं तो सबकी जिम्मेदारी होगी कि 13 नवंबर को जो मतदान होना है उसमें भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और ये मतलब खाली एमएलए नहीं जिताएंगे बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को और आप लोग मजबूत करेंगे और सरकार आप लोग के आशीर्वाद से अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। ये चुनाव वैसे तो जीतना निश्चित ही है लेकिन जो रिकॉर्ड पिछले बार का था अगर उसको तोड़ दें तो और अच्छी बात होगी। पिछले बार का रिकॉर्ड तो और अच्छी
और अच्छा उत्साह से हम लोग छत्तीसगढ़ की सेवा कर पाएंगे, सरकार के माध्यम से अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग को आज एक जसपुर कार्यक्रम में जाना है, राम प्रताप भाई साहब भी जाएंगे और इसलिए अब ज्यादा नहीं करते हैं। आप सब लोग प्रमुख हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, सभी चिंता करेंगे आने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए। और चूंकि त्योहार वगैरह भी है, दीपावली वगैरह भी सब है, तो हम लोग को त्योहार भी मनाना है और एक एक घर एक एक मतदाता से संपर्क भी करना है। आज मैं समझता हूँ कि एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर को भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का कोई योजना का लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आज का आयोजन हुआ इसके लिए मैं पुनः हमारे मंडल अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।